हे गाइस वेलकम माय चैनल मु सचिन आज आपण मानको मो यूट्यूब चैनल विलेज खालगा सचिन ब्लॉग रे स्वागत करूची। तो प्रथमे मु आपणको शुभ कामना जणौची सांग माने, आज मु आपण में बहुत बढ़िया एक वीडियो लेके आसी जहा कि आम गाँव प्रत्यक्ष देवता हेउछंती प्रभु बालमकुंद, जहा कि 200-300 वर्ष तलर मंदिर। मु आपणको सांग माने कहि रखुची 200-300 वर्ष तले जो मंदिर एमिती नथिला, मंदिर परिवेश बहुत घंच जंगल थिला, लोक माने आसीबा को मंदिर को भय करूथिले, सेते बेले आसिया पई रास्ता नथिला। तो देखंतु सांग माने आज माने मंदिर को रास्ता हे सैलाणी, मंदिर परिवेश बहुत किछि बदली सैलाणी। आपणको मानको मु कहि रखुची सांग माने मंदिर परिवेश आपण सेते बेले रा आज बहुत तफात आपण देखिले जानि परिबे केते बदली जाइछि। आपण मानक कही रखुची सांग माने आम प्रत्यक्ष देवता बालमकुंद गोटे जात्रा पड़े ए माघ मास तिथि रे, मझे गोटे जात्रा पड़े से बहुत बड़ जात्रा। आपण माने जदि केबे आसीथिबे देखिथिबे नले आपण माने जदि जानी नहंती जात्रा विषय रे केबे कोन होउची मते कमेंट करी कुहंतु, मु आपणको फुल डिटेल्स रे कहि देबी। आपण आसिक जात्रा को उपभोग करिवे, देखिबे केमितिका जात्रा, केते बढ़िया जात्रा, ए भगवानंकर केते महिमा आपण देखि परिबे। 200-300 वर्ष तलर मंदिर जेहेतु किछि त तार रहस्य लुचि रहिछि, तो सांग माने मु आपण कहुछि एहारे मंदिर बहुत किछि रहस्य लुचि रहिछि जोडा कि आपण माने जानी नहंती। मु आपण मानको ए वीडियो रे जणिया को चाहूछि तार रहस्य विषय रे, कोन मंदिर रो महत्व, कोन केमिति परिवेश थिला, कोन थिला आज, कोन पई आज एमिति हेछि, सेतेले कोन थिला, को भली देखा जाउथला मंदिर, आपणको सबु देखैबी। सांग माने आपणको मु गोटे कथा कहि रखुछि, मु मो यूट्यूब चैनल ना सचिन ब्लॉग विलेज खालगा सचिन ब्लॉग कहीं रखिली से कथा भी मुझे कह भी कहीं रखिली, ता भितर भी किसी गोटे मो महत्व अच्छी, किसी गोटे रहस्य अच्छी, ता पछे भी मुझे सबकि जनईबी मो वीडियो रे। तो वीडियो को आपड़ लास्ट तक एंड तक लग रुतु, केमी वीडियो रे मजा नियंतु, आपन को ये वीडियो रु बहुत किसी शिक्षा को पाइबे, मुझ सत कौच सांग माने बहुत किसी आप शिखिपारे वीडियो रे। आपन को जो लास्ट पर्यंत वीडियो को देखिए, आपन को यदि भल लगला वीडियो टी लाइक शेयर कमेंट करिवे और सब्सक्राइब दिल रु करिवे सांग माने, कारण मु जहां भी वीडियो छाड़ी आपन पाखु सर्वप्रथमे जीवो। तो सांग माने चालंतु वीडियो को प्रथमे आगो मंदिर रो परिवेश को देखि दियंतु केमिति कोन अछि, तापरे आमे तार रहस्य विषय रे जानिबा। जय जगन्नाथ सांग माने, जय जगन्नाथ।
नमस्कार दोस्त, आम आज पहुँची गले मंदिर प्रांगण में। देखु आम भगवानी बालकृष्ण अच्छा आज मंदिर भितर कौन सब रहस्य लुचि मंदिर कौन रहस्य आज आम एटी आम अच्छा पूजारी अच्छा पूजारी को पचारि बुझी ना तो आसतु आज्ञा नमस्कार आज्ञा किसी मंदिर भितर कि कहतु मंदिर किसी कौन केमी मंदिर आरंभ होता के कहत आज्ञा कमी कौन मंदिर प्रथम बालक मान पचर छोट पा से दस बार वर्ष पा से बैश पा गोटे मुख्य सेवक बा मुख्य भक्त था सी ठाकुर स्थापन करनी ठाकुर स्थापन कर निजे सेवक पूजा कर पूजा कर किसी वर्ष गला से पिला को कहल गाई बाछर चढ़ाला गाई बाछर चढ़ने गाई गाई क्षीर दुहिमा चूड़ा उखुड़ा विभिन्न प्रकार फल मूल आड़ ठाकुर भोग लगे गच मूले अच्छा पिला को धरिक कम कर सब कम कर मंदिर प्रथम केमी फास्ट आप तो सहीटा से मंदिर से ठाकुर स्थापन कर बारवणिया सीमार अच्छा से ठाकुर स्थापन कर बारवणिया ठाकुर सीमार से ठाकुर पूजा कर गाँव में आसने गाँव रे सबराकार प्रधान था से कह ठाकुर स्थापन करोटे ना बारवणिया सीमार गोटे जगह बउली जगह सी जो प्रधान कहल कहते तुमने बारवणिया सीमार ठाकुर स्थापन कल का सका तो बारवणिया वाला कहे से आम ठाकुर आम एरिया आम ठाकुर निहाती चिंताधारा करें से जो पिला पिला नारायण बेहरा से पिला धरिकी ठाकुर धरने आसला आमर ए बाणमुकुंड जो ठाकुर गाँव पूर्व दिगरे गोचर थी बाहुन एक गोचर से गोचर भितर गोटे विराट बरगछ था से बरगछ गच मूले ठाकुर को सड़े विग्रह टी स्थापन करमी सेठ पूजा करुले सीमें पूजा आने कर प्रथम पूजा मंदिर मंदिर से प्रथम पूजा से फल मूल गाई को क्षेत्र मूल आने से फल मूल आने चूड़ा उखुड़ा आने से ठाकुर पूजा कर तापर कि दिन गला प्रधान सप्रदेश ठाकुर है कह सप्रदेश ठाकुर सप्रदेश है ठाकुर न्यास करवा न्यास कर पुड़िया पुड़िया खंडे करवा अच्छा से आस न्यास कले जो आम दुर्मुना आमर जो पंडित थे जगन्नाथकर श्रेष्ठ पंडित दुई शासन भितर से श्रेष्ठ पंडित थे डकाला डकनी से ठाकुर प्राण प्रतिष्ठा कर नामकरण खुद प्राण प्रतिष्ठा कलापर ताक नामकरण कले बाक मैंने स्थापन करना बाणमुकुंद से गले बाक मान छोट पे छोट पे से दस बार वर्ष पिला से पूजा ये करते अनुसार बाणमुकुंदर पूजा जो मंदिर स्थापन है 200-300 वर्ष तौर कथ कौन से तो परेश ना आज आज देखे खाली जंगल ही जंगल जंगल विभिन्न प्रकार बुटा होता गचपत्र सब नटिंग बर गच मूल से परेश बहुत भल हो परेशा शुणु आप उपस्थित सब जिन जिनस किसी ना आम शुणु तापर केमी कौन आज्ञा कौन कि भगवान पाखे जो रहस्य कथ कौन कि केमी कौन आसान भगवान प्रथम अच्छा कहता सेटा ठाकुर प्राण प्रतिष्ठा हालापर से प्रधान आज डक ब्राह्मण को प्राण प्रतिष्ठा है से ठाकुर से पुड़िया पूजा पाते सी जो आमर थी पूजाहारी नारायण बेहरा अच्छा से पूजा करा भितर ठाकुर से पाखे कौन शक्ति थिला से झील बहु आस दर्शन कर पिला छुआ ना कि कह पु ना झील ना कौन ना से आस ठाकुर प्रसाद दिखते ठाकुर प्रसाद से ठाकुर प्रसाद दावा भितर तक भी फलप्रद हुए
କେମିତି କ'ଣ ଆସନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି ନା କ'ଣ କେମିତି? ସେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା, କୁଡ଼ିଆରୁ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇଲ୍ ଘର କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଟାଇଲ୍ ଘର ଭିତରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ରହିବି ତା'ପରେ କିଛି ଦିନ। କେମିତି କ'ଣ ତମେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମେ ପାଇ ତାହେଲେ ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ହୁଏ, ସପ୍ନଦଶା ହେଲେ ସେ ତାର ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ପରେ ପାଇଲା, ସପ୍ନଦଶା ହେଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଗତି ହୁଏ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନି, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆସନ୍ତି। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଦୋସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଆମର ପୂଜାରୀ ଯେମିତି କହିଲେ କି କୌଣସିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତି, ପଢ଼ିକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦୋଷ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କୌଣସି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପିଲା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆସିକି ଆପଣ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି କି ଏଇ ମାଘ ମାସ କେତେ ତିଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କର? ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ପାଳନ ହୁଏ, ସେଟା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଇଟା ପାଳନ ହୁଏ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏଇ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା କି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି, କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ସାରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଶ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମନ୍ଦିରର, ମନ୍ଦିରର ଆଜି ଆଗ ଏମିତି ନଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଲୁଣି କି ଆମର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପିଲା ହେଉନାହିଁ କି କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ଆସିକି ପରିବେଶରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବେଶରେ ବସନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଦୋସ୍ତମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଦିଲରୁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଲେଜ ଖାଲଗାଁ ସଚିନ ବ୍ଲଗ୍ ରଖିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଭିଲେଜ ଖାଲଗାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲି କାରଣ ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଖାଲଗାଁ, ମୁଁ ଖାଲଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲଗାଁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ମୁଁ ଖାଲଗାଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍ଖପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଖାଲଗାଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଲେଜ ଖାଲଗାଁ ସଚିନ ବ୍ଲଗ୍ ରଖିଲି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।